यहाँ पर हमें एक फंक्शन f दे रखा है जो रियल सेट से रियल सेट पर डिफाइन है ये फंक्शन इनफाइनाइट डिफरेंसेबल फंक्शन है तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो सेटिस्फाई कर रहा है अगर a लेस देन b है a लेस देन b है इसका मतलब डिस्टिंक्ट है f b माइनस f a डिवाइडेड बाय b माइनस a इक्वल्स टू f प्राइम एट ए t तब ऑप्शंस को देखते हैं एफ मस्ट बे अल ऑफ डिग्री ग्रेटर पोलिनोम तो इस तरह से हमें ये दे रखा है तो यहाँ पर डिग्री टू की बात करी गई है और नॉर्मली पोलिनोम की बात करी गई है तो हम एक सिंपल सा पोलिनोम फंक्शन एफ ले लेते हैं जैसे कि एक्स स्क्वेर ये इनफाइनाइट डिफ्रेंशल है यानी कि जो आफ्टर सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन जो होगा वो जीरो जीरो हो जाएगा डिफरेंस Difference, डिफरेंसीबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी जीरो हो जाएगी अब हम देखते हैं कि अगर ए और बी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर हमें मिलेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो कंडीशन है या आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं बी स्क्र माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए ये और इधर क्या मिलेगा f प्राइम a प्लस बी यानी कि a प्लस बी डि एफ प्राइम क्या होगा एक्स स्क्वेयर का f प्राइम अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो होगा 2x एक्स यानी कि f प्राइम एट a ए प्लस बी डिडेड बाई टू यानी कि 2 a प्लस बी डिडेड बाई टू तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा राइट हैंड साइड से मिलेगा हमें a प्लस बी और यहाँ से ये इसको कैंसिल आउट कर देगा फैक्टर को इसके तो यहाँ से भी हमें मिलेगा ए प्लस बी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही है यानी कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्न हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा यहाँ पर जो कहा गया था एफ मस्ट बी अल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन लेकिन ये ग्रेटर देन टू नहीं है ये तो टू डिग्री का ही है तो ये हमारा ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है एफ मस्ट बी अ पोलिनोमेल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू टू तो ये अभी सेम हो रहा है दिस इज करेक्ट लेकिन अभी हम इसको ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये करेक्ट सेम है एफ इज नॉट अ पोलिनोमेल लेकिन एक हमें ऐसा पोलिनोमेल मिल ही रहा है तो ये भी गलत हो गया एफ मस्ट वे लीनियर पोलिनोमेल ये लीनियर नहीं है क्वाड्रेटिक है तो ये भी हमारा गलत हो गया अब जो ये सेम था अभी हमारा कंफर्म हो गया है कि ये हमारा की है